Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your chemistry teacher and today we will start our third lecture of chapter number 1 fundamentals of chemistry. आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिक डेफिनेशन के बारे में लर्न किया था. आज हमारा पहला टॉपिक है एलिमेंट. व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स यानी एक ही तरह के एटम्स से जिनके सेम एटॉमिक नंबर्स हैं एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज और उन्हें डिकम्पोज नहीं किया जा सकता ऐसा सब्सटेंस है. इन टू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन यानी अगर हम बात करें एलिमेंट की तो एलिमेंट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और उन्हें डिकम्पोज नहीं किया जा सकता. अभी तक साइंटिस्ट ने जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं टोटल उनकी तादाद 118 है यानी 118 और उनमें से 92 ऐसे हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं. इसके बाद है एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म एज वेल एज इन कम्बाइंड फॉर्म. फ्री फॉर्म में जैसा यहाँ मैंने डायग्राम से शो किया हुआ है ऑक्सीजन का एटम, ये सिर्फ अकेला एक ऑक्सीजन का एटम है तो ये इसका मतलब ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. दूसरी डायग्राम है कंबाइंड फॉर्म की कि कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. यहाँ पे देख रहे हैं आप ये ऑक्सीजन का एटम है जिसे मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है और इसके साथ ये एच हाइड्रोजन के एटम्स हैं दो, ये इनके साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है. ये असल में वाटर का स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन दूसरे दो एलिमेंट्स के साथ यानी हाइड्रोजन एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे इसे रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है तो ऑक्सीजन का कलर रेड होता है. नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको डायग्राम में समझाने के लिए ये कलर्स रखे हैं. तो ये है ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में और ये कंबाइंड ऑक्सीजन का एलिमेंट है जिसने वाटर हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर का कंपाउंड बनाया हुआ है. सो एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म. अब एक दफा हम इस टॉपिक की बुक से रीडिंग कर लेते हैं एलिमेंट्स. इन द अर्ली एजेस शुरू में साइंटिस्ट का ख्याल था कि सिर्फ ओनली 9 एलिमेंट्स, सिर्फ 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस दुनिया में. कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर, इन्हीं के बारे में सब साइंटिस्ट जानते थे. लेकिन आज के वक्त में यानी एट दैट टाइम इट वॉज कंसिडर्ड दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस. लेकिन आज हम ये कहते हैं कि एलिमेंट्स को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपल प्रोसेस के जरिए उनको सिंपलर प्रोडक्ट्स में. अंटिल एंड ऑफ 19th century लेकिन 19वीं सदी के आखिर तक 63 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड. 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया गया और अब आज टूडे वी विल नो अबाउट 118 एलिमेंट्स. अभी तक 118 यानी 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका है जिनमें से 92 नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं. एलिमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन ये है, इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means. It means that each element is made up of unique type of atoms that have very specific properties. यानी इनको decompose नहीं किया जा सकता simple substances में. इसका मतलब उनकी अपनी ही एक unique property है, अपनी ही एक unique उनकी identity है. उसको हम मजीद उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते. एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म. ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट. और ये एलिमेंट्स हैं जो वो अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, हर एक की डिफरेंट परसेंटेज है एंड ओशियंस और समंदर में एंड एटमोसफेयर. यहाँ पे एक बुक में आपकी टेबल बनाए इसको देख लें. अर्थ क्रस्ट है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में बताया गया ओशियंस और यहाँ थर्ड कॉलम में है एटमॉस्फेयर. तो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 47 है, ओशियंस में ऑक्सीजन की परसेंटेज 86 है एंड नाइट्रोजन की एंड ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर में परसेंटेज 21% है. और इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट्स का बताया गया है. एलिमेंट्स में भी सॉलिड
एलिमेंट्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की कि वो सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी और गैसेस भी। सॉलिड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, जिंक एंड गोल्ड। लिक्विड एलिमेंट्स की एग्जांपल है मर्करी एंड ब्रोमीन। बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड हैं, लेकिन जिनमें एग्जांपल है मर्करी की और ब्रोमीन की। उसके अलावा बहुत से गैसेस की फॉर्म में भी प्रेजेंट हैं, जिसकी हमारे सामने एग्जांपल है ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इन सब गैसेस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड सच एज सोडियम, कॉपर, जिंक, कोल्ड। देर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट, फॉर एग्जाम्पल मर्करी एंड ब्रोमीन। अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेज सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब ये थी इनकी क्लासिफिकेशन कि वो लिक्विड, सॉलिड और गैसेज में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये इनकी मैटर की बेस पे थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। और अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे बात करें तो एलिमेंट्स को टू डिवाइड किया जाता है, मेटल्स में, नॉन मेटल मेटल्स में एंड मेटलॉइड्स में। अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल। नेक्स्ट है सिंबल, कि एक सिंबल क्या है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स विच आर एब्रीवेशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि सिंबल क्या है, एब्रीवेशंस हैं किसी भी एलिमेंट के नेम की। अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट। अब जो सिंबल है किसी भी एलिमेंट का, वो उस एलिमेंट के नेम से ड्राइव किया जाता है। वो इंग्लिश में भी हो सकता है, लैटिन लेटर में भी, ग्रीक में भी और जर्मन में भी। If it is one letter, अगर सिंबल एक वन लेटर होगा तो वो कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन एंड C फॉर कार्बन। इन केस ऑफ टू लेटर्स सिंबल, और अगर सिंबल टू लेटर्स पर मुश्तमिल होगा तो उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, Ca फॉर कैल्शियम, Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोरीन। आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि C और A ये टू लेटर्स हैं, और इसमें सिर्फ फर्स्ट कैपिटलाइज है, दूसरा स्मॉलर लेटर है। इसी तरह सोडियम के एग्जाम्पल में N कैपिटल है और A स्मॉलर है, और इसी तरह क्लोरीन में भी सिर्फ वन लेटर है, यानी C जो कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है। इसके बाद हमारा टॉपिक है इस एलिमेंट के अंदर ही एक वैलेंसी से रिलेटेड, कि वैलेंसी क्या है। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स वैलेंसी। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, इसकी एक खास खसूसियत। इट इज कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। ये किसी भी एलिमेंट की कम्बाइनिंग कैपेसिटी है कि वो किस तरह से दूसरे एलिमेंट्स के साथ कम्बाइन कर सकता है। ये एक बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है, यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, आपको समझने में मुश्किल होगी। मैं तो समझा दूंगी, लेकिन मे भी आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जिसका आपने फौरी तौर पे क्वेश्चन करना हो, तो इसलिए हम इस टॉपिक के लिए एक अलग क्लास रखेंगे जिसमें सिर्फ हम वैलेंसी को डिस्कस करेंगे। आज हम इस टॉपिक को सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, अब आप आ जाएं एक्सरसाइज पे। उम्मीद है जो आपको लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जो टास्क दिया गया था लर्निंग का और राइटिंग का, वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो आपको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि वो आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, ताकि जब आप साथ साथ ही ये छोटी छोटी डेफिनेशंस याद करते जाएंगे तो फिर आपको आसानी हो जाएगी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। कि एलिमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। ये वही डेफिनेशन है जो हमने पीछे टॉपिक में बुक पे पढ़ी है, इसे आपने लर्न करना है और अपनी नोटबुक्स में लिख लेना है। व्हाट इज वैलेंसी, ऑन विच वैलेंसी डिपेंड अपॉन। और ये वैलेंसी की डेफिनेशन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, डिटेल नहीं पढ़ी हमने, लेकिन डेफिनेशन पढ़ ली है कि ये किसी भी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी है। इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ये क्वेश्चन आप लिखने दें अभी लर्निंग के लिए, जब हम ये डिटेल से पढ़ेंगे तब इसे आप लर्न कर लें। इसके बाद आ जाएं आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज में से आपने थ्री क्वेश्चंस थे जो फर्स्ट, इनका मैंने आपको कल दिया था लर्निंग के लिए कि इसे लर्न करना है आपने और नोटबुक्स पे लिख लेना है। तो आज एक्सरसाइज का आगे से कोई क्वेश्चन नहीं है,
पिछले ही क्वेश्चन आपने दोबारा से एक दफ़ा अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इनको नहीं लिखा वो इसे लिख लें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।